छलिश एक ऐसी भावना जो किसी भी इंसान के अंदर घर कर सकती है, और जब ये भावना किसी पर बुरी तरह से हावी हो जाए तो वो इंसान सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है, और वो जुर्म की ऐसी राह पर निकल पड़ता है कि वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। गुस्सा, जुनून, धोखा, खलिश, ये सब अपराध की जड़ें हैं। हमारे समाज में दबे हुए को और ज्यादा दबाया जाता है, खास करके महिलाओं को। हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में आज भी कई महिलाओं को छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने पति और पिता पर निर्भर होना पड़ता है, और इसलिए उनको कमजोर माना जाता है। चर्चाओं में आमतौर पर औरतों पे हो रहे जुर्म की यही वजह बताई जाती है, लेकिन जब स्वतंत्र और सशक्त महिलाएं जुर्म का निशाना बने तो वजह ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। जिले का मुकाबला सोनल और मेगा के बीच में शुरू होने जा रहा है। तो देखना यह है कि मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। बहुत बढ़िया मेगा, नजरे मगेगा, पकड़ पकड़, पीछे ले, पीछे, अटक 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 कर, पीछे ले, पीछे, नजरे मत हटा, गिद्ध की तरह गाड़ के रख। क्या डिफेंड कर, अटैक कर, अटैक, चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, कौन, चल चल। शाबाश मेरे शेर, आज के जिले का मुकाबला जीती है मेगा। तालियां। शाबाश मेरे शेर, सॉरी कोच जी। ये मेडल आज हमारे गले में होता अगर हमने मेगा को फ्री कोचिंग देने से मना नहीं किया होता। और कर क्या रही तू? कुश्ती उश्ती तेरे बस की नहीं है, घर जा, बच्चे पाल, सांस फूल जाती तेरी। मेघा जितना बड़ा जिगरा तेरा नहीं हो सकता। और सुन, ऐसे ही खेलती रहेगी ना, ना कभी मेघा को हरा पाएगी और ना स्टेट खेल पाएगी। मेघा भाई, तुम तो बड़ी पहलवान हो, धर्म इसे नेशनल खिलाना है। पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेगी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और किसी भी चीज की जरूरत हो सीधा हमसे कहना जी। हम आज जो कुछ भी है हमारे पापा की वजह से है। हम ओलंपिक खेलना चाहते हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। मेघा, इस उम्र में जो तुम कर रही हो ना, उससे कई लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा घरों से बाहर निकल के कुछ कर दिखाने का। तुम्हारे इस जज्बे को देखकर तो मैं भी तुम्हारी फैन हो गई। थैंक यू। मेगा बेटा, 1000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। देख बेटा, कोर्ट कचहरी तेरे लिए दलदल है, कीचड़ तुझ पर ही उछलेगा। अच्छा, कीचड़ से डरते तो पहलवानी ना करते। अखाड़े में उतर चुके हैं तो जीते बिना लौट नहीं पाऊंगी। और रही बात इस मेडल की, तो कोई बात नहीं चाचा, लेकिन इतने कम दाम में नहीं बेच सकती, कहीं और देख लूंगी। नमस्ते। ना। तुझे कितनी बार समझाया, दूसरों के झगड़े मत भूल लिया कर। और दूर रहा कर उन लड़कों से, खास करके उस पंकज से। तो क्या चुपचाप उन लफंगों की हरकतें बर्दाश्त करते? उस पंकज को धूल चटा दी हमने, और कोई बकवास करता ना तो उन्हें भी संभाल लेते अकेले। मेघा बेटा, बड़ी फिक्र रहती है हमें तेरी, कल को कहीं तुझे कुछ हो गया तो। पापा, आपकी बाहुबली है हम,
कोई हाथ तो लगा के दिखाए। हाथ ना तोड़ दे तो हमारा नाम भी मेघा नहीं, कुछ नहीं होगा हमें, आप फिक्र मत करो। मेघा की सिर्फ हत्या ही नहीं हुई बल्कि उसके शरीर के साथ पूरी तरह से बर्बरता की गई है। उसका दायना हाथ काट दिया गया, पुलिस को वो हाथ अब तक नहीं मिला है। इतनी हैवानियत होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ तक कि कुछ मीडिया वाले भी इस खबर को चलाने से कतरा रहे हैं क्योंकि इस केस का सीधा कनेक्शन है दीनानाथ चौधरी के साथ, जिन पर मोलेस्ट्रेशन का आरोप लगाया था मेघा ने। सरकार से हमारी अपील है कि मेघा मर्डर केस में एक निष्पक्ष जांच हो ताकि पुलिस अपना काम बिना किसी दबाव के कर सके। इस लड़की रितिका को समझाओ जरा, पहले उस लड़की मेघा पे भरोसा करके फंस चुके हैं। कहिए अब क्या कर सकते हैं आपके लिए, हमसे जो हो सकता था हम पहले ही कर चुके, इसलिए अब और कुछ नहीं कर सकते। अरे नेता जी, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। ये क्या कर रही हो तुम? आपको खुश करने की कोशिश। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे ये सब करने से मैं खुश हो जाऊंगा और स्टेट के लिए तुम्हारी सिफारिश करूंगा? अपना रुपट्टा लो, दफा हो यहां से और आइंदा इस ऑफिस मत आना। ऐसे नहीं तो वैसे, कानूनी दांवपेच में फंसा दिया हमको, छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, बस फिर क्या, रातों रात स्टार बन गए। अब एक नेता पर केस दर्ज हुआ तो मीडिया को भी मसाला मिल गया, और तो और अब तो उसकी हत्या में भी नाम उछाला जा रहा है हमारा। फिक्र मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल होगी और हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए लखनऊ से एक टीम को बुलाया है। सर, जब मेघा की लाश मिली थी तब उसके पास उसका फोन नहीं था, और लाश के पास कुछ थर्माकोल के पीसेस भी मिले, वर्मा इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए मुझे जल्द से जल्द। वर्मा ये दीनानाथ की पूरी कुंडली निकालो, एक साल पहले इसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस दर्ज हुआ था, तब भी इसने यही कहानी सुनाई थी कि किसी लड़की ने ऑफर किया था, इसने मना किया था, और ये विक्टिम मेघा, इसका भी पूरा बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, कोई दोस्त बॉयफ्रेंड या फिर कोई एक तरफा आशिक, सबकी रिपोर्ट चाहिए मुझे जितनी जल्दी हो सके। सर, रिपोर्टर रितिका के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, हालांकि उसे उसके न्यूज़ चैनल से निकाल दिया गया, पर वो मेघा के केस के बारे में पल पल की रिपोर्ट देती रहती है अपने इंटरनेट चैनल पे। इस रितिका से भी बात करनी पड़ेगी, कई बार इनका खबरी नेटवर्क हमारे नेटवर्क से ज्यादा स्ट्रांग होता है। दीनानाथ ने हमसे वादा किया था मदद का, लेकिन जब मेघा उससे मिलने पहुंची तो। आपने वादा किया था कि आप सपोर्ट करेंगे। हाँ, वादा किया तो था, इसीलिए तो बुलवाया। अब क्या है ना कि अगर हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो एक तरफा हो जाएगा, तो थोड़ा कोऑपरेट तुम कर दो, थोड़ा हम कर देंगे, फिर देखते हैं कि तुमको नेशनल खेलने से कौन रोक सकता है। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। अच्छा, नहीं हटाया तो क्या करोगी, मारोगी? हम दूसरों के लिए लड़ने वाले के साथ जब खुद नाइंसाफी हुई तो वो कहाँ चुप रहने वाले थे साहब। हमने मेघा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि अगर वो चुप रहेगी तो उस दरिंदे को और हिम्मत मिलेगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती उस धर्म जी शांत हो जाइए, आपकी हालत हम समझते हैं, लेकिन हमें भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए होगी। क्या मेघा की किसी और के साथ भी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी बच्ची को उस नेता ने ही मारा है। एक बात बताइए, क्या आप पहले मेघा को कोचिंग के लिए हनुमंत के पास भी लेके गए थे? जी, 150 पहलवान हमारे अखाड़े में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें से 55 लड़कियां, और उन 55 लड़कियों में से एक भी नहीं ऐसी जो मेघा को हरा सके। सर, कुश्ती मात्र एक खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है, हम इसे नाक का सवाल नहीं बनाते। वैसे आपसे एक बात बताएं, ये मेघा जितनी अच्छी खिलाड़ी थी ना, उतना ही बुरा उसका कैरेक्टर। यार, में चोट कैसे लगी थी ये? सर, आप हमारा यकीन मत कीजिए, जाकर गांव वालों से पूछ लीजिए, वो भी आपको यही कहेंगे
मेघा का कई लड़कों के साथ उठना बैठना था। सर वो तो कहीं भी शुरू हो जाती थी, माने तो ठीक, ना माने तो सीधा मारपीट करती थी। अब देखिए ना, देवता जैसे इंसान पर कैसा बेहुदा आरोप लगाया था उसने। हमने सुना है कि नेताजी ने आपका नाम स्टेट कॉम्पिटिशन के लिए भेजा है। हाँ सर, पर इसका मेघा के मर्डर केस से क्या लेना देना है? हम काबिल है इसलिए हमारा नाम गया है। हमसे पूछताछ करके आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सर, ये कोई लड़के वड़के का ही चक्कर है, इतनों को घुमाती थी, कर दिया होगा किसी ने कांड। मेघा कहाँ जा रही हो? मैं तो घर जा रही हूँ। चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं राजेश, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे बैठो यार, भगा के थोड़ी ना लेके जाऊंगा तुम्हें, चलो बैठो। वर्मा, जिस बेरहमी से ये मेघा का कत्ल किया गया उससे तो साफ जाहिर होता है कि किलर बहुत गुस्से में रहा होगा। मेघा की हत्या का पूरा फायदा सोनल को हुआ, स्टेट कॉम्पिटिशन के लिए उसका नाम रिकमेंड किया गया है। और अगर सोनल चैंपियनशिप जीत जाती तो इसका फायदा सोनल और हनुमंत दोनों को होता। ये हनुमंत और सोनल, इन दोनों की कुंडली निकालो। इस नेताजी के भी CDR निकलवाने के लिए अर्जी डालो। मुझे लगता है इस नेता का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। पूरा कनेक्शन है सर, बल्कि उसका ही रचा हुआ षड्यंत्र है ये। फोन पर क्या धमकी दे रहा है, हिम्मत है तो सामने आ। सर मैं उसके खिलाफ खड़ी क्या हुई? मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। सर मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास प्रेस की पावर है, उसके बावजूद मुझ पर ये हमला हुआ। सर सोचिए, जब मैं इस दहशत से गुजर रही हूँ तो आम लड़कियों का क्या होता होगा। रितिका जी, हम अपना काम कर रहे हैं। सर आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, काश एक्शन भी उतनी ही जल्दी लेते। आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। रितिका जी, एक्शन के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं है। तो सर आपको रोका किसने? जमा कीजिए ना एविडेंस, इसीलिए आए हैं ना आप लोग। डॉक्टर साहब, बच्ची ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक है, जरा सी ठंड लग गई थी इसलिए बुखार है। 3 दिन की दवाई है, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, टाइम से देते रहना। नहीं ठीक है। भैया आप ये दवाइयाँ ले लीजिएगा, मैं और भाभी घर जा रहे हैं। ठीक है। लो भाभी मैं ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं चल, कोई बात नहीं। आज मैं अपना नया वीडियो बनाने के लिए आ चुकी हूँ, तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना और मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। ओके बैद जी। हाँ। ये हमारी बेटी मानसी है, इसके पेट में हमेशा दर्द रहता है। हाथ दिखाओ। हाँ, बीमारी पकड़ में आ गई है, हमें चूरन बना के देते हैं, उसको दूध में मिला के पी लेना और 15 दिन के बाद बताना सब ठीक है कि नहीं है। रुको, ये जितने भी डॉक्टर हैं ना डिग्री वाले, सब के सब फर्जी हैं साले हैं। अमीर का पैसा चूसते हैं और गरीब का खून। हमने जंगल जंगल जाके जड़ी बूटियां जमा की, कईयों को ठीक किया है। ये लो जाओ, सब भला होगा। लेकिन यह दहेज की बात नहीं है, हमने आपसे पहले ही कहा था हम अपने बेटे की शादी स्टेट चैंपियन से ही करवाएंगे, और आपकी लड़की तो गांव के लेवल में मेगा से ही हार गई। हमें पता है दहेज मिल जाएगा, लेकिन स्टेट चैंपियनशिप वाला सम्मान कहां से मिलेगा? तो फिर मेगा का सिलेक्शन हुआ है, जब बांधो अपने बेटे को उससे। क्यों सुनील, तुम्हें तो अब तक मैं पसंद थी, अब वो मेगा पसंद आ गई? हाँ बिल्कुल पसंद आ गई, कम से कम उसकी जुबान तुम्हारे जैसे तो नहीं होगी ना। नमस्ते, चलो बेटा। अगर नेताजी को मेघा के केस में जेल हो गई, मेरा तो स्टेट चैंपियनशिप के लिए नाम फिर से रह जाएगा। अरे तू फिकर मत कर, अरे मर्डर वर्डर के केस तो इन राजनेताओं पर चलते रहते हैं, इससे ये जो नेता होते हैं ना बाहुबली नेता बन जाते हैं और पार्टी में इनकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। और तू परेशान मत हो, तेरी तपस्या फेल नहीं होगी, स्टेट चैंपियन तो तू ही बनेगी। क्या? हाँ, पहले लगा कि रैंडम स्टैबिंग है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मेघा के राइट हैंड के साथ साथ उसका हार्ट भी निकाल लिया गया है। और एक बात सर,
मेघा के नाखूनों से हल्दी कुमकुम के स्ट्रेसेस मिले हैं। शायद वो किलर के शरीर पर हो और स्ट्रगल के वक्त मेघा के नाखून में आ गया। मेघा का राइट लेग और राइट हैंड सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था। मेघा की स्ट्रेंथ पे हमला किया गया। वो कोई भी हो सकता है, हनुमान, सोनल या फिर कोई ऐसा जिसे मेघा का कुश्ती खेलना पसंद ना हो। या सर, हो सकता है कि वो सस्पेक्ट हमारी लिस्ट में आया ही ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो इस तरह के मर्डर को अंजाम देता हो। वर्मा, पता करवाओ क्या पिछले कुछ महीनों में ऐसा केस आया है जिसमें बॉडी पार्ट्स मिसिंग हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस के लिए मेघा के पूरे केस को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। मेघा की सिर्फ हत्या नहीं हुई थी बल्कि उसके पूरे शरीर पर क्रूरता से वार किया गया था। किसने की मेघा के साथ इतनी बर्बरता? रिपोर्टर रितिका पर किसने हमला किया था? क्या ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे? अरे पापा, अभी तक चाय पी रहे हैं, चलिए जल्दी प्रैक्टिस पे। अभी तो तू कॉलेज से आई है। नहीं नहीं, चलिए चलिए, सिर्फ 55 दिन रह गए स्टेट चैंपियनशिप को। मेहनत, फिर चैंपियनशिप और फिर आपको आराम। चाय तो पी लो। अरे चाय छोड़िए, मैं आपको रास्ते में पिलाती हूँ। चलो। अरे मैंने चलो चलो, मैंने चप्पल पहनी है, जूते तो पहन लो। आप दौड़ मत लगाना, आप सिर्फ कोच की तरह खड़े रहिए, मैं दौड़ लगाऊंगी। भैया हम ऑफिस जा रहे हैं, दोपहर को कोमल को दवाई दे दीजिए। और यूपीएससी का फॉर्म निकल गया है, वो भी खरीद लेना। जानते हैं भैया, पैसे ले लिए हैं, ले लेंगे फॉर्म। साहब, वो रितिका बड़ी पंगे वाली लड़की है, किसी से भी भिड़ जाती है, आगे पीछे देखती नहीं। पिछले महीने वो देसी दारू वालों से भिड़ गई थी, उनकी तो पूरी बैंड बजा दी, धंधा पूरा चौपट कर दिया, और तो और उनके बॉस को भी जेल में पहुंचा दिया। कौन था उसका बॉस? हाँ नहीं थी, रमाबाई, कच्चे दारू की पक्की खिलाड़ी है। जब तक मैं अंदर हूँ ना, तब तक जी ले, और जैसे ही मैं बाहर आई सीधा ऊपर। और साहब, उस मेघा का पंकज नाम के एक लड़के के साथ टशन था, पंकज गली की लड़कियों को छेड़ता था, इसीलिए मेघा की और पंकज की बहस हो गई थी। छोड़, पंकज आते जाते लड़कियों को छेड़ना बंद कर, वरना मोहल्ले में क्या गांव में रहना दुश्वार कर देंगे तेरा। रेसलर है तू, लड़का बनने की कोशिश मत कर, और तुझे नहीं छेड़ा मैंने। तू लड़का है तो छेड़ के दिखा, चल। हम सिर्फ लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ सर, झगड़ा करती रहती थी, लेकिन मैं भी जवाब दे देता था। फिर उसे इतनी बेरहमी से मारा क्यों? सर, मेघा जिस दिन गायब हुई उसके 3 दिन पहले मैं अपनी चाची के घर गया था, यही पास के गाँव में। मेरा मेघा के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। क्या है इसमें सुधीर, तुमने मुझे ये वीडियो देखने के लिए बुलाया? लेकिन मैडम, ये आदमी बोलता है इस बच्ची का बाप है। हाँ तो होगा ना, और बच्ची डरी हुई भी नहीं लग रही है। बच्ची की शक्ल देखो इस आदमी की, ना तो शक्ल मैच करती है ना हैसियत। मेरे को तो लगता है कि ये बच्चा चोर है, कल को इस बच्ची को कहीं भेज देगा इसके बॉडी पार्ट्स भी। सजा दे दिया, शाबाश, कल यहाँ उन्नाव में हम तुमको अच्छी अच्छी जगह पे घुमाएंगे। बाबा, हम दादी के पास कब जा रहे हैं? बेटा, कल दोपहर को एक आदमी से पैसे लेने, शाम को लखनऊ जाएंगे, जहाँ पर हमारी बिटिया अपनी दादी से मिलेगी। अब सोचा बेटा, रात हो गई, शाबाश। सर, जिले के 12 थानों में बात हुई, पिछले 3 साल में ऐसे 3 केसेस हुए, 2 फीमेल विक्टिम थी और 1 मेल विक्टिम था। मेल विक्टिम कानपुर का डॉक्टर था, जिसकी हत्या के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर गायब कर दिया गया था। और दूसरे केस में एक 40 साल की औरत थी, छुरे बेचती थी, दुर्गा नाम था उसका। सर, दुर्गा की किडनी निकाल ली गई, वो अपने पति को किडनी डोनेट करने वाली। हत्यारे का कुछ पता चला? नहीं सर, वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई, मर्डर कसाई छुरे से हुई थी, बिल्कुल मेघा की केस की तरह। और तीसरा मर्डर? बच्ची थी सर, 10 साल की, मंजरी नाम था उसका। उसका शरीर सिर से लेकर कमर तक काटा गया था। सर, पोस्टमार्टम में पता चला कि उसका ब्रेन मिसिंग था। ब्रेन? जी सर, सुलीगंज गांव का केस है, 3 साल पहले का। पहले तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला लग रहा था, फिर आरोपी पकड़ा गया, 26 साल का लड़का था, कमल नाम है उसका। उसने कन्फेशन में बताया कि उस लड़की ने उसका मजाक उड़ाया था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। सुलीगंज, पर मैं एक काम करो, ये मंजरी केस की पूरी डिटेल निकालो, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पता करो कि कमल कौन सी जेल में।
रितिका? हाँ रितिका, बोलो। सर आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मुझे मेघा के केस के बारे में आपको कुछ बताना है सर। मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं पहुँचता हूँ। हाँ मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ अभी। वर्मा आओ मेरे साथ। लोकेशन तो यही भेजी थी, दिख कहीं नहीं रही है। फोन करता हूँ। बेल जा रही है। सर आवाज़ तो यहीं कहीं से आ रही है। आओ वर्मा इधर देखते हैं। वर्मा तुम यहाँ चेक करो। सर सर मॉडस ऑपरेंडी सेम है, लगता है मेघा के कातिल ने रितिका का भी कत्ल किया है। रितिका नेता के लिए सरदर्द भी बन गई थी। दीनानाथ चौधरी, आज सुबह आप ऑफिस कितने बजे आए? क्यों आपसे मतलब? रितिका का मर्डर हुआ है, वही रितिका जो मेगा मर्डर केस में आपके खिलाफ आवाज उठा रही थी। पूछताछ करने के कुछ कायदे कानून होते हैं। वारंट लाए? वारंट लेके आओ, सबूत लेके आओ, फिर बैठ के बात करते हैं। और हाँ, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं, आपके जैसे ईमानदार और होनहार अफसर पर शोभा नहीं देता। अरे एसीपी शर्मा, ये किस अफसर को भेज दिया आपने? एक मुसीबत जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती, और अब ये अफसर कहीं सरदर्द ना बन जाए। सेना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना सबूत बिना वारंट के पूछताछ कैसे कर सकते हो तुम? सर अगर उस नेता की कस्टडी की एक बार मुझे परमिशन मिल जाए, मैं सब सच बोलवा लूंगा। बेवकूफ वाली बात मत करो सिन्हा, वो लिकर डॉन रमाबाई का क्या हुआ? सर जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है वो प्रोफेशनल किलर्स का काम लगता है, और प्रोफेशनल किलर्स वही हायर कर सकता है जिसके पास पैसा और पावर हो। और रमाबाई वो भी तो किलर हायर कर सकती है, उसने तो खुलेआम धमकी दी थी रितिका को। जब तक मैं अंदर हूँ ना तब तक जी ले, और जैसे मैं बाहर आई सीधा ऊपर। नेताजी को हमारी स्पेशल बोतल भेज देना, आज की रात जश्न की रात है, हम दोनों की आंख का काटा निकल गया। रमा भाई आपसे कोई मिलने के लिए आया? ठीक है, सब जेल की चार दीवारी के बाहर एक कदम नहीं रख पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने मर्डर कर दिया। कैसे मर्डर कर सकते हैं? गणेश कहाँ है? कौन गणेश? ज्यादा होशियार मत बन, गणेश जिसके साथ रहती थी तू। साहब जब पावर था पैसा था तो उसके जैसे 150 गणेश आगे पीछे घूमते थे, और जब से जेल में आई हूँ एक भी साला कमीना मिलने नहीं आया। सर सर गणेश के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, और कमल जो कि मंजरी के केस में अरेस्ट था लेकिन पिछले 6 महीने से पेरोल जम के हो। वर्मा अपने खबरियों को एक्टिव करो, मुझे गणेश और कमल दोनों चाहिए जल्द से जल्द। सर रितिका की कॉल डिटेल्स आ गई। सर रितिका मर्डर से एक दिन पहले सूलीगंज गांव गई। सूलीगंज? मंजरी और कमल भी तो सूलीगंज से थे, रितिका का क्या कनेक्शन हो सकता है सूलीगंज से? मार दिया उसको, ऐसे मेरी बच्ची को, उसी का चूरन खाके से खून की उल्टियां हुई, छोड़ना मत उसको, मेरी बच्ची। गांव में सबसे झगड़ा करता था। कमल कहाँ छुप कर बैठा था कुछ पता चला? गांव या आसपास तो नहीं है, लगता है किसी दूसरे शहर में निकल गया है। कौन सा नशा करता था ये कमल? हर तरह का जो सस्ते में मिल जाए। सर ये मेघा का कॉल रिकॉर्ड। इन सबकी डिटेल्स निकलवाओ, सबसे पहले ये येलो हाइलाइटर वाले नंबर की, हर 2 दिन में इसका मेघा को फोन आता था। दो दिन में मेघा को फोन करता था तू, क्यों? दोस्त थी। सिर्फ दोस्त थी या उससे भी ज्यादा कुछ? राजेश हम सिर्फ दोस्त हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्यों, क्या कमी है हमें?
हम तुमको सारी खुशियाँ देंगे। गाँव की जमीन बेच के ना एक बड़ा सा अखाड़ा बनाएंगे जिसमें तुम लड़कियों को ट्रेनिंग देना और हम जो है सारा हिसाब किताब देख लेंगे। मारेंगे लप्पड़, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी। अपनी बकवास बंद करो राजेश, हमारा एम स्टेट चैंपियनशिप जीतने का है, हमें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अपना ये घटिया प्लान ना किसी और के साथ जाके बनाओ, हटो यहाँ से। मेघा के सपने बहुत बड़े थे जिसमें तू दूर दूर तक नहीं था, और इसी खलिश में तूने मेघा को मार दिया है ना। उसको दर्द देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, और उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। सर, इसके फादर आए हुए हैं वकील लेकर। चलो मैं। क्यों बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो? हाँ तो क्या करें, आप तो हमारा फोन ही नहीं उठाते। नहीं, हमें भी मेघा की तरह मारने का तो इरादा नहीं है आपका? तुमसे किसने कहा हमने मेघा को मारा? तुम भी तो मार सकती हो। वैसे एक बात है, मेघा के जाते ही तुमने सही मौके पर चौका मारा है। वैद्य जी, लता चाची ने बताया था आपके बारे में। देखिए ना, ये पिंपल बहुत परेशान कर रहा है मुझे, इसकी वजह से मैं सुंदर भी नहीं लग रही। आप जल्द से जल्द इसका कुछ इलाज बताइए मुझे। अभी मैं चुरा देता हूँ, तुम इसे दूध में मिला के पी लेना। थैंक यू वैद्य जी। सर, सर रितिका का फोन अनलॉक हो गया है। सर, उसके मर्डर के एक दिन पहले उसे एक वीडियो भेजा गया था फोन पर। लेकिन इस वीडियो का रितिका के मर्डर के साथ क्या कनेक्शन है? बच्ची की शक्ल देखो इस आदमी की, ना तो शक्ल मैच करती है ना हैसियत। रितिका इस आदमी के बारे में इंक्वायरी करने वाली थी कि उससे पहले उसकी हत्या हो। पता करवाओ ये बच्ची और ये आदमी इस वक्त है कहाँ। जी हम पहुंच गए। नहीं नहीं, सोनू को बुखार है। अबा बाद में बात करते हैं। हाँ बेटा बोलो। भूख लगी है। भूख लगी है बेटा को? क्या दें बेटा? अच्छा बताओ क्या खाओगी? समोसा लाए? हाँ बाबा। हम अपनी समोसा लेके आते, गर्मा गर्म। सर ये केस कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेघा और रितिका के मर्डर में मारने का तरीका सेम, लेकिन मेघा के साथ रेप नहीं हुआ है और मोटिव भी सेम नहीं। जैन सर। जी सर। वर्मा आओ मेरे साथ। वर्मा, एक और लड़की की लाश मिली है, सिमिलर पैटर्न। डायल नंबर किसी बैजी का है। पता करो ये बैजी कौन है। इसका नंबर सर्वेलेंस पे डालो। सर गीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसका भी रेप हुआ है। ऑर्गन्स? वोकल कॉर्ड्स और लंग्स मिसिंग है। सर अगर विक्टिम्स के ऑर्गन्स निकाले जाने तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी चीज की जरूरत तो पड़ती होगी। और गीत के मर्डर स्पॉट से थर्मोकोल के पीसेस के साथ साथ हमें जमीन भी नम मिली थी, शायद आइस बॉक्स में थर्मोकोल का इस्तेमाल किया गया हो। हाँ सर। एक काम करो, मेघा और गीत दोनों के गांव के आसपास, दोनों के मर्डर से पहले पता करवाओ किसने आइस बॉक्स खरीदा था। जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सबसे ज्यादा बात करने वाले प्रदेश में ही महिलाएं असुरक्षित थीं। एक के बाद एक महिला की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। 4 महीने बीत गए थे पर पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लगा था। फिर एक खबर आई और गणेश रमाबाई का राइट हैंड पकड़ा गया। रितिका को क्यों मारा? कौन रितिका? वही जिसकी वजह से तू अनाथ हो गया। तेरी रमाबाई जेल में हो, तेरा धंधा ठप। मेघा और गीत को क्यों मारा? ऑर्गन्स बेचने के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा है और ना ही किसी को ऑर्गन्स में चाहिए, समझ लाएंगे। इसके डीएनए सैंपल फॉरेंसिक भेजा
और रितिका के बॉडी पर मेरे सीमेंट से मैच करवा। ये इसकी बीमारी पकड़ ली थी हमने, आविष्कारी चूर्ण दिया था इसको। तुम्हारा क्यों? वैद हैं हम, इंसान और यमराज के बीच खड़े रहते हैं। मानव कल्याण के लिए जंगल जंगल भटक कर 101 बीमारी का चूर्ण बना चुके हैं हम। तो फिर कसाई चूड़ा क्यों रखते हो? यही यही तो हमारी सफलता की कुंजी है सर, हैं? यही तो हमारी जड़ी बूटियों को बारीकी से काटने का काम करता है। सर, वैद्य के घर से पत्रिका मिली जिसमें मेघा के बारे में खबर छपी थी, और ये दो महीने निकलवाए, रितिका की न्यूज़ और गीत की न्यूज़। सर, हमारे तीनों विक्टिम्स की अचीवमेंट इस पत्रिका में छपी थी। इन पत्रिकाओं का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ है? सर, कानपुर में हेड ऑफिस है, उसके आसपास लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव के शहरों और गाँव में इसका सर्कुलेशन होता है। एरिया बड़ा है, लेकिन हमारा किलर यहीं कहीं छुपा बैठा है। इन एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो। सर, वरुण सिन्हा की फाइल आ गई, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और वीडियो में जो बच्ची थी वो वरुण सिन्हा की बेटी है। सोनू वरुण सिन्हा के घर में काम करता था। मर्डर के बाद से ही बच्ची और शंभू दोनों गायब। इस रिंग के लिए तो किसी का हाथ ही काट लिया होगा तूने। साहब, जिस कबूतर को आप ढूंढ रहे हो ना, अभी माल लेके गया हमसे। पिछले 4 महीने से आप तहकीकाती कर रहे हैं, मेरी बच्ची की निर्मम हत्या हुई है और आप उस नेता को नहीं पकड़ पाए हैं। धर्म जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर, मेरी बेटी किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन जब आज उसी के साथ अन्याय हो रहा है तो ये समाज और ये कानून दर्शक बना हुआ है। ये रखिए, ये मेरी बेटी की मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। शायद इसे देखकर आपका ईमान जाग जाए और आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेरी बेटी के हत्यारों को पकड़ सकें। सर, वो गणेश भी पकड़ा गया है, कहीं उसने आपके खिलाफ मुंह खोल दिया तो? पहले तुम तो अपना मुंह बंद करो। गणेश मोटी चमड़ी का है, तुम्हारे जैसा नहीं कि ऊपर वाले ने मुंह दे दिया और कुकुर की तरह भौंकना शुरू कर दिया। चलो जाओ यहां से। पैसे पैसे मिले। किसने दिए थे पैसे? बाबू बाबू। तो ये बात पहले तूने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कपड़े कपड़े मिले थे। नाम नहीं बताने के बदले कपड़े मिले थे तुझे? किसने दिए थे? ए, उठ, किसने दिए थे? बंसी। कौन है ये बाबू और बंसी? कमल कौन है, किधर रहते हैं? कमल कमल, मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे और अभी ठीक है, रखता हूँ। सर सर, रितिका के बॉडी पर जो सीमेंट मिले वो गणेश के डीएनए से मैच हो गया है, लेकिन गणेश को बाकी के मर्डर से जोड़ने की अभी तक कोई कड़ी नहीं मिली। कमल ने कुछ मुंह खोला? सर, कमल ने दो नाम बताए, बाबू और बंसी, और बोला कि मंजरी को मारने के लिए उसे पैसे दिए गए थे। बाबू और बंसी। डॉक्टर वरुण सिन्हा की फाइल में जो पेशेंट्स लिस्ट थी उसमें मैंने बंसी नाम पढ़ा था, लेकिन ये बाबू, ये नाम तो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में आया ही नहीं अभी तक। हेलो सर, आई एम डॉक्टर आशीष कुमार, मैं जानवरों का डॉक्टर। बेटी, कुछ टाइम से स्ट्रीट डॉग के फूड पॉइजनिंग के केसेस रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सर, स्ट्रीट डॉग के पेट से जो निकला वो ह्यूमन ऑर्गन्स थे। व्हाट, ह्यूमन ऑर्गन्स?
और सैंपल्स में पाउडर के ट्रेसेस भी मिले, जिसकी वजह से या तो डॉग्स मर रहे थे या फिर बीमार पड़ रहे थे। और ये डॉग्स किस म्यूनिसिपैलिटी एरिया से आ रहे थे? सर, पिछले 3 महीने से कानपुर म्यूनिसिपैलिटी पूनम नगर से स्ट्रीट डॉग को लेकर आ रही थी, उनमें पाउडर के ट्रेसेस भी मिले थे। और सर, तकरीबन 3 साल पहले सुलीगंज गांव से भी 2 स्ट्रीट डॉग को लेकर आया गया था और उनमें भी पाउडर के ट्रेसेस मिले थे। सर, मैंने न्यूज़पेपर में मर्डर्स के बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। थैंक यू डॉक्टर। पुलिस के सामने कई संदिग्ध और कई जांच की दिशाएं थी। क्या ये चक्रव्यूह किसी एक अपराधी का रचा हुआ है या पुलिस अलग अलग अपराधियों के जाल में फंसती चली जा रही है? ए, उड़ रहे, उड़, 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 चल, चल भाग, भाग यहाँ से। ओए महाराजा, तुझे अलग से समझाना पड़े। साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा। साहब, खाना रेडी है। हम बहुत डर गए थे, इसलिए हम सोनू बिटिया को लेके वहां से भाग गए थे। सोनू कहाँ है शंभू? साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता सोनू कहाँ है। देख, कहानी बनाना बंद कर दे, सच सच बता, सोनू को भी मार दिया क्या? हमने सोनू को नहीं मारा, हम तो उसके लिए समोसा लेने गए थे। जब लौटे तो वो वहाँ नहीं थी। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। साहब, हम पुलिस में भी नहीं जा सकते थे, कोई हमारा भरोसा नहीं करता। तक सोनू का पता नहीं चलता तो यहीं रहेगा। सोनू की दादी का पता दे। गणेश ने पुलिस का सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया और पुलिस को बताया कि ऋतिका की हत्या की भनक पहले से ही नेता दीनानाथ को थी। लेकिन ये टिप पुलिस के काम नहीं आई, क्योंकि ना तो ये ऋतिका और ना ही मेघा के मर्डर केस से नेता दीनानाथ को डायरेक्टली जोड़ती थी। ये मामूली सी टिप कोर्ट में भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस नेता दीनानाथ के गिरेबान तक नहीं पहुँच पा रही थी। ये ड्राई आइस और आइस बॉक्स खरीदने वाले लोगों की अलग अलग लिस्ट है, लेकिन हल्दी कुमकुम खरीदने वालों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और सर, इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो हर रोज खबर पत्रिका भी खरीदते हैं। और सर, इन सब में से एक नाम कॉमन है, ये वाला, पूनम नगर में रहता है, जहाँ से कानपुर म्यूनिसिपैलिटी ने बीमार कुत्तों को रेस्क्यू किया था। और ये आदमी 3 साल पहले सुलीगंज में रहता था। पाउडर हल्दी कुमकुम बनाने में इस्तेमाल होता है। पुलिस के पास अब एक तहकीकात का दायरा था जो हर इन्वेस्टिगेशन में कॉमन नजर आ रहा था। क्या ये भी एक अंधा कुआं था या एक खौफनाक कहानी का अंत? मंजरी को क्यों मारा तुम लोगों ने? वो तो महज 11 साल की थी। चुना था हमने उसे, नग थी एक एक, किसी का दिल किसी का दिमाग तो किसी की आवाज अच्छी थी। ऑर्गन्स निकाल के करते क्या थे? पैसे के लिए बेचते थे? हम दोनों एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। कई डॉक्टर को दिखाया पर सबका कहना था कि पार्वती कमजोर है, इसलिए उसके पेट में बच्चा नहीं ठहर रहा है। फिर हम कानपुर के एक बड़े डॉक्टर से मिले, वरुण सिन्हा से। खबर पत्रिका से पता चला कि वरुण की बेटी सोनू अपने नौकर शंभू के साथ गायब है और पुलिस का शक शंभू पर था। और मुझे लगा कि शायद सोनू ने मुझे खून करते हुए देख लिया, इसलिए मैंने शंभू का पता लगाया। शंभू को फ़ोन करके कहा कि मुझे वरुण साहब के पैसे लौटाने हैं और उसने अपना पता बता दिया और मैं पहुँच गया वहाँ, बच्ची को मार दिया। ऑर्गन्स निकाल के करते क्या थे? डॉक्टर वेद, हकीम, सबको दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं। तभी एक बाबा ने मुझे एक किताब दी जिसमें लिखा था कि होने वाली माँ को अगर होनहार और ताकतवर लड़कियों के शरीर के हिस्से खिलाए जाए तो उसमें ताकत आएगी, पूरा ख़त्म करना पड़ो, बचा हुआ कुत्तों को देने से कुत्ते मर रहे हैं। इंसानियत की सारी हदें पार कर दी तुम लोगों ने, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें बे औलाद रखा है। जब सच्चाई सबके सामने आई, लोग हैरान हो गए। उनके बच्चे किस हैवानियत का शिकार हुए थे ये सुन के लोगों के होश उड़ गए। किसी एक के अरमान ने
कई होनहार लड़कियों और उनके परिवारों के अरमानों को कुचल के रख दिया। एक खलिश ने काफी कुछ मिटा दिया। निसंतान दंपति की अमानवीयता ने कई जिंदगियां खत्म कर दी। उनकी औलाद की चाहत ने न जाने कितने माँ बापों से उनकी औलादे छीन ली। मेघा कई लड़कियों की आइडल थी, उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। एक शक्तिशाली नेता ने उसके साथ बदतमीजी की। उसकी निडरता से कई लोग नाराज थे, लेकिन मेघा ने कभी हार नहीं मानी। वो बुलंदियों को छूती रही और उसकी शिकस्त हुई तो एक अंधविश्वासी के हाथों। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें झाड़ फूंक, टोना टोटका और बलि जैसी बातों पे पूरा भरोसा होता है। बंसी को अगर वो बाबा वो किताब न देता और वो उन बेतुकी बातों पे विश्वास न करता तो शायद इतनी हत्याएं होती ही नहीं। बंसी ने जो रास्ता चुना उसमें उसकी पत्नी पार्वती ने पूरा पूरा साथ दिया। अगर दोनों में से किसी को भी इस अमानवीय अपराध का आभास होता तो शायद ही जुर्म न होते। किसी के बहकावे मात्र में आके कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान में सूझबूझ होती है और ये समझ ही आपको इंसान बनाती है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दया अब लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। खाली पीली मेरा दिमाग नहीं खराब करने का, चल निकल। बच्ची को लेकर तो शहर में यही धंधे करने आते थे ना, काम के बहाने बना के। चुप। अब हम कहाँ जाएंगे? साहब, ये गोपाल मेरे से तो शादी बनाया, इसको गांव में पहले से बाइक है, मेरे को मालूम नहीं था साहब। अब जब वो यहाँ पर आई है तो मेरे को घर से बाहर निकाल रहा है साहब। ये हमारी बच्ची है साहब, सुमन कहता है हमारी शादी भी नहीं है साहब। साहब ये झूठ बोल रही है साहब। साहब मेरा अच्छा खासा परिवार है तो मैं दूसरा शादी क्यों करूंगा साहब? साहब ये ना मेरी बीबी है और ना ही ये मेरी बच्ची। सुमन तेरे को मना किया था ना इधर आने को? तू मुंह बंद रख, तेरा शादी तलाक सब कुछ इधर ही कर दूंगा मैं। चल उधर खड़ा रहे, बात कर रहा हूँ ना मैं। सरला, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है अपनी शादी साबित करने के लिए? कोर्ट का कोई सरकारी कागज या फिर कोई गवाह या फिर अपने शादी का कोई फोटो? फोटो भी तो कुछ नहीं साहब, सड़क के बाजू वाले मंदिर ले जाकर ही मेरा मांग भर दिया और ये मंगलसूत्र दिया था साहब। मंगलसूत्र और कोई प्रूफ नहीं है साहब? ये आपका और मेरा दोनों का भी खाली पीली टाइम खराब कर रही है साहब। साहब मैं शहर में काम के लिए आता था तभी थोड़ा बहुत इसके साथ मजा मार लेता था, लेकिन उसका पैसा लेता था साहब मैं। साहब इसको आइटम क्या बना लिया, ये तो बीबी बनने चली है मेरी। काय बोलते तुम्हें, वो पैसे तो आप मेरे को घर खर्चे के लिए देते थे ना। सरला तुम्हारे पास और कोई सबूत नहीं है अपनी शादी साबित करने के लिए? ये बच्ची है ना साहब, इससे बड़ा और कौन सा प्रूफ होगा साहब? साहब ये बच्ची कम से कम 8 से 10 साल की होगी और मैं तो इसे पिछले 4 साल से जानता हूँ साहब, तो आप ही बताओ ना साहब ये मेरी लड़की कैसी हो सकती है साहब? सरला हमें कुछ और सबूत चाहिए वरना हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं सबूत कहाँ से लाएगी साहब? मेरी मदद कौन करेगा साहब? देखो अभी कुछ कोर्ट में ही हो सकता है, यहाँ पुलिस स्टेशन में तो नहीं। अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, पैसे नहीं है और केस लड़ने चली है, चलो जाओ चल। साहब मेरे मर्द ने मेरे को छोड़ दिया साहब, डीएम साहब एक उम्मीद है साहब, उनको बोलो ना मेरे पति को समझाए, वो बस मेरी बच्ची को मेरे को अपना ले साहब। कौन सा पुलिस स्टेशन गई थी आप? सलाम साहब। ये वक्त था कोथरूड साहब। तो मैं देखता हूँ उनका। सर कोई प्रूफ नहीं था उस औरत के पास अपने शादी का, ना कोई गवाह ना कोई फोटो। प्रूफ ढूंढना किसका काम है, पुलिस का के विक्टिम का? सर शादी उन लोग ने बनाया था तो प्रूफ भी वही लोग देंगे ना। बेटी है ना उसकी, बताया था ना उसने, तो बेटी से डीएनए मैच करके पुलिस सबूत नहीं निकाल सकती क्या? हो पण बघा अपॉइंटमेंट काय नाही, डीएनए टेस्ट का एप्लीकेशन फाइल किया था? नहीं सर। हे बघा आता मजा आएगा, इस केस की रिपोर्ट मैं डीएम साहब से करने वाला हूँ और जो भी केस फाइल करना है वो करेंगे और जो भी जवाब देना है उनको देना था। सर देखो क्या नाम बताया था? सरला साहब, ये सुमन। तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को न्याय मिलेगा। तुम्हें देवता मानो शायद था। देवता?
रुक रही, बस मैं आती हूँ। हाँ दिशा सुन, एक साल हो गया बेटा तू हमसे मिलने भी नहीं आई। अच्छा साक्षी का बर्थडे है ना, तो एटलीस्ट बर्थडे के लिए तो आ जा। आई, मेरा मन नहीं करता उधर आने को। देख दिशा, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तू भी भूल जा। आई, मेरे लिए पुरानी बात नहीं है दिशा। किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो बस बैंक वालों का, कभी क्रेडिट कार्ड ले लो कभी लोन ले लो। आप तो परेशान क्यों हो रही हो फिर इतना? सब हो जाएगा, चलो चलता हूँ मैं, ध्यान रखो तुम। ठीक है, अच्छा दोपहर के लंच पे आओगे? अरे नहीं, आज बहुत काम है दुकान पे, डिनर पे मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखो अपना। हाँ तुम भी। क्या डार्लिंग, दिखती नहीं है तू आजकल। अनुपम आज मेरा एग्जाम है, प्लीज मुझे जाने दो। अरे तो मेरा एग्जाम ले ले। हाँ देख गिर गई ना, मैं बोला था रुक जा। मोनिका बेटा, मोनिका बेटा, मोनिका क्या कर रहे बेटा? ठीक तो है दिखा, ये ठीक है, ये आपको ठीक दिख रहा है? मैंने बोला था ना माँ मुझे नहीं जाना, वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, चलो जा। आए मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ। वो देख वहां से। पेन पेपर है, किसने किया था? नमस्ते साहब, मैंने फोन किया था साहब। साहब वो मेरी चाय की दुकान है, ये औरत अपनी बच्ची के साथ मेरी चाय की दुकान पे आई, उसको कुछ खाने को लेके दिया साहब इसने, और साहब इसने मेरे से कागज और पेन भी मांगा था। कागज और पेन? जी साहब। गायत्री जरा चेक करो कहीं सुसाइड नोट तो नहीं लिख के रखा। यस सर। सर मैंने देखा ये औरत टेम्पो के सामने अचानक आ गई। वो नंबर देखा था? नहीं सर। तुम में से कोई पहचानता है इसे, पहले कभी देखा है? नहीं सर, यहाँ पहले तो कभी से नहीं देखा। कुछ मिला? नहीं सर। कुछ नहीं मिला, कागज पेन क्यों लिया होगा? बोरे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सुमन कुछ खाओगी? नहीं, वो तुम्हारी आई थी, इसका नाम क्या था? सरला। सरला कहाँ रहते हो तुम? अशोकनगर। यहाँ किसी के पास आए थे? आई को कुछ काम था यहाँ पे। कहाँ? दो गली आगे। रास्ता मालूम है? यहाँ पर? यहाँ क्यों लाया बेटा? इधर आती थी मम्मी।
वो अंकल आई उनसे मिलने आती थी। फोटो किलकर साहब इसके पति ने इसको छोड़ दिया था, इसलिए वो साहब से मदद मांगने के लिए यहां आती थी। उसका पति गोपाल खोटे यही कोथरूड में काम के लिए आता था, इससे शादी की, लेकिन गांव में पहले से ही बीबी बच्चे हैं, तो उसके उस बीबी को पता चल गया तो उसने उसको छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बहुत परेशान थी बेचारी, आज भी आई थी यहाँ, खाने तक के पैसे नहीं थे उसके पास। कम से कम इस बच्ची को खाना मिले ये सोच के मैंने उसके उसे थोड़े पैसे दे दिया, लेकिन क्या है इंसान का संयम कभी कभी टूट जाता है। किलकर साहब वो गोपाल का केस वो कोथरूड पुलिस स्टेशन में चल रहा है, तो आप वहाँ पता कर लीजिए, और उसका पति ही उसके सुसाइड का कारण है। ठीक है, थैंक्स। चलो बेटा। वो ऑफिसर ने बोला है कि वो एक्शन लेंगे। माँ वो तो हर बार बोलते हैं पर होता कुछ भी नहीं है, पर मुझे लगता है इस बार लेंगे। साक्षी बेटा I'm so sorry, देख मैं भूल गया, आज तेरा बर्थडे है, मैं भूल ही गया था, देख मुझे माफ कर दे प्लीज। एनीवे बेटा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। और तू कितने साल की हो गई अभी? 15 इयर्स की हो गई। 15? तू बड़ी हो गई मतलब? अरे तभी इतनी खुशखुश दिखाई दे रही है मेरी। और निशा ताई भी आई है। आई, मेरा मन नहीं करता उधर आने को। निशा आजा मेरे पास आजा, अच्छा हुआ तू आ गई, देख कितना टाइम हो गया तुझे देखे हुए। चलो केक काटते हैं बेटा, चलो गायत्री चलो। चल बेटा ये ले। एक मिनट, उससे पहले नीचे किराना दुकान जा, मैंने थोड़ा सामान लेके रखा है वो ले आ, और जाते वक्त साक्षी को भी ले जा साथ में। अभी जा, चल जाओ साक्षी। फिर क्या हुआ, ऐसा घूर घूर के क्यों देख रही है मुझे? सरला कौन है? क्यों क्या ये तेरी वजह से उस औरत ने गाड़ी के सामने आकर सुसाइड कर लिया? क्या किया तूने उसके साथ, मुझे बता अभी। मैं खुद से कुछ पूछ रही हूँ। चुप है, तेरे पता है ना मुझे गुस्सा मत दिला। ये सुसाइड नोट अगर मैंने छुपाया नहीं होता ना तो जेल में सड़ रहा होता था तू अभी। मैंने तुझे बताया और तू पूजा कर दिखा रहा है। ये? अरे क्यों बचाया मेरे को, मैंने बोला था नहीं ना, तू जा भी पुलिस के पास, बोल उनको जाके मैंने अपने पति को बचाने के लिए ये सब कुछ छिपाया है। चल जा पुलिस के पास, और तेरे को जो बोलना है जाके बोल उनको। रितो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं आज, बहुत नाटक हो गया तेरा, बहुत नाटक हो गया। क्या किया तूने उसको, क्या किया बता मुझे। रुक जा, चुप, तेरे को मारना है ना मेरे को। चल मार मार, इधर मार। साहब हम औंध में रहते हैं, हमारे एरिया में एक लड़का रहता है अनुपम, वो इसको बहुत छेड़ता है। अब तो घर से निकलने में भी बहुत डर लगने लगा है, वो सिर्फ इसको ही नहीं तंग करता, उसने तो मुझे भी। क्यों हमारा जीना हराम कर रखा तुमने? तेरी बेटी पर दिल आया मेरा, अच्छी लगती है मुझे वो। अच्छी लगती तो कुछ भी करोगे? अभी तो कुछ किया कहाँ है, वैसे आपके साथ भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कसम से माँ बेटी कमाल की चीज हो। विश्रम तुम माँ बेटी आइंदा पुलिस स्टेशन में अगर दिखाई दिए ना तो घर में घुस के दोनों को उठा कर लेकर जाऊंगा, समझी? सर वो बड़े बाप का बेटा है इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। सर मैं विधवा हूँ, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, कोई सहारा नहीं है। उसने इसको घेर लिया, उससे बचने के चक्कर में सर देखिए उसको चोट भी लग गई। कि लड़के समझते क्या है अपने आप को? हम बहुत परेशान हैं, सिर्फ साहेब ही हमारी मदद कर सकते हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। रे 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 बच्ची बेचारी, किस राक्षस है वो, कहीं और तो नहीं लगाया ना? हाँ मुझे देखने दो, और कहीं लगा है तो दिखाओ मुझे। तुम टेंशन मत लो, वो पुलिस कार्रवाई करेगी और वो लड़का है ना वो जेल जाएगा, और फिर तुम दोनों फिर शांति से रह पाओगी। थैंक यू सर। हर बेटा एक मिनट रुको, तुम अपना ये नंबर मुझे दे दो, क्या पुलिस को शायद वो स्टेटमेंट के लिए फ़ोन कर सकती है।
हेलो हेलो मोनिका। हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? हाँ मैं विनायक साठे बोल रहा हूँ, डीएम ऑफिस से। ऐसा ना, मम्मी है क्या घर पे? नहीं सर, मम्मी तो मार्केट गई हैं। अच्छा सुनो ना, मैंने पुलिस से बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी मम्मी वो अनुपम है ना, उसको फंसा रही हो पैसों के लिए। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे सच में बहुत परेशान करता है। तुम ऐसा करो, तुम साहब को एक स्टेटमेंट दे दो ऐसे आमने सामने। मैं अभी साहब से अपॉइंटमेंट लेके तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, और तुम वहाँ अकेली चली आना। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है, तुम्हारी मम्मी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, कहना कि तुम ये कंप्लेंट खुद कर रही हो, समझी? अरे मोनिका आ जाओ, आ जाओ, घर मिल तू गया ना आराम से? जी सर। अंदर आ जाओ, बैठो। देखो बड़े साहब आते ही होंगे, तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देना। तो बैठो ना आराम से, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ये ला, तुम ये जूस पियो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सर मुझे लगता है कि सरला सही कह रही थी, गोपाल ने उसे धोखा दिया था, पर इसलिए वो इतनी हारी हुई थी। और पुलिस ने मदद नहीं की उसकी? सर उसके पास अपने शादी का एक फोटो तक नहीं था, फिर उसके बाद कैसे मान लेते? मैंने उसे सबूत लाने को कहा था, मुझे क्या पता वो ये कदम उठाएगी। अरे डीएनए करना होता है ये तो पता है, हा? उसे तो सबूत मिलता। सर उसके लिए भी तो टाइम लगता है ना, कोर्ट में एप्लीकेशन डाली हुई है। वो भी कब? डीएम ऑफिस से फोन आने के बाद। बेटी है ना उसकी, बताया था ना उसने, तो बेटी से डीएनए मैच करके पुलिस सबूत नहीं निकाल सकती क्या? विनायक का फोन नहीं आता ना तो भी ये नहीं करते तुम, कि सरला की मौत तुम्हारे वजह से हुई ध्यान में रखना। अरे मोनिका क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ बेटा? मेरी साल। ठीक से बता मुझे क्या क्या? डीएम की हाँ मुझे हाँ मुझे अपने घर बुलाया था। हाँ और बोल बेटा। मेरे साथ क्या? आर यू जी? आप पुलिस में हो? हाँ मगर आप कौन है? विनायक साठे यही रहता है? हाँ मेरे हस्बैंड है, मगर हुआ क्या है सर? इनका कहना है विनायक ने इनकी बेटी का रेप किया है। कुछ भी सर, ये झूठ बोल रही है। औरत हो ना, रेप जानती हो क्या होता है? मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी? ओ मैडम एक मिनट, मैं समझती हूँ लेकिन कोई मिस्टेक हो गई होगी, मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या चल रहा है ये सब? अरे अरे मैडम, तूने मेरी बेटी का रेप किया। अरे मैडम छोड़ो, रुके रुक किया रुके छोड़ो मुझे। चुप है मैडम, रुकिए प्लीज। अनुपम दीघे से पैसे नहीं मिले तो मेरे को फंसाने के लिए यहाँ पे आ गए दोनों? जॉर्ज ए चुप, मैंने पुलिस स्टेशन जाके पता किया है, अनुपम दीघे से पैसे लेने के लिए इन दोनों ने उसके ऊपर केस डाला है, तो मैंने हेल्प करने से मना किया, तो यहाँ पर ये ड्रामा लेके आ गए दोनों। मैडम क्या है सच है? तू इतना मुझे से पूछ रहा है? एक सवाल नहीं पूछा उससे? तुम सब बुरी साले मिले हुए हो। अरे मैडम हम अपना काम कर रहे हैं, आपसे सिर्फ पूछा है। ए बाबा क्या सिर्फ पूछा है, पुलिस स्टेशन जाके पता करो ना, उसके बाद आना मेरे पास। चलो देख लो। हो साहब पर रेप केस की इन्वेस्टिगेशन? ए बाबा मेरे को कानून मत सिखा, ये लड़की का मेडिकल किया है रेप है या कंसेंशुअल है, कैसे पता रेप हुआ है और मैंने किया है? देख डीएम साहब को बोल दूंगा मैं, उनको ये ऐसा झूठ मूठ का केस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तेरी ट्रांसफर ऐसी जगह पे कर देंगे अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा तू, तो फिर वहां अपने दिमाग से इन्वेस्टिगेशन करते रहना। मैडम चलिए चलिए, सब ना मर दो, चलिए उठा लो अपनी वर्दी, चलिए चलो चलो।
क्या घूर रही है ऐसा? नजर के अपना काम कर। सरला को आखिरी बार कब मिले थे? छोड़ो ना साहब, क्यों खाली पीली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो साहब। एक तो ना मेरी बीवी थी और ना ही वो मेरी बच्ची। वो है ना साहब, एक नंबर की चालू औरत थी। अच्छा हुआ मर गई। बकवास बंद करो, तुम्हारी शादी हुई थी उसके साथ, तुम्हारी वजह से मरी है वो। ओ साहब, पहले आप साबित करो कि उसने मेरे साथ शादी की थी, उसने बोल लिया और आपने मान लिया। अब वो खुद की वजह से मरी है, उसमें मेरा क्या दोष? बाय। साहिब से कहकर ये ऑर्डर रुकवा दीजिए प्लीज। ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है सर। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, पति की नौकरी पे सबसे पहला हाथ तो पत्नी का होता है, किसी और को कैसे मिल सकती है नौकरी। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं पर्सनली तुम्हारा ये मैटर हैंडल करूंगा। थैंक यू सर। सर, एक मर्डर हुआ है। ये दिशा उड़ना, दिशा, ये दिशा उड़ना है। सब देखो ना, मेरी दिशा को क्या हो गया सब। सुविधा चेक, आप ही ने कॉल किया था? हाँ सर। सर मैं दुकान से घर आया तो सब दिशा ऐसी हालत में मिली। दिशा, दिशा, मेरी बेटी, दिशा कहाँ जाला? गायत्री, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ सर। तू कहीं गई यहाँ? बाहर आ, बाहर निकल। साहब दिशा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये यहाँ पे आए। साहब इसे बाहर भेजो, तू बाहर जा। सब तेरी वजह से, सब कुछ तेरी वजह से था। हमेशा हमारे खिलाफ भड़काता रहता था तू उसको। ये रोने का नाटक कर रहा, तू बंद कर, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तूने किया है। इसको अरेस्ट करो सर। सब करो मुझे अरेस्ट, लेकिन पहले इसकी जान छोड़ डालो। चुप कर, चुप बैठो, चुप बैठो, नहीं तो तुम यहाँ भी? ये दिशा मेरी बेटी है केलकर जी। यहाँ भी मतलब आप जानते हैं सर? एक सरला नाम की औरत ने सुसाइड किया था, उस सिलसिले में मिला था मैं इसे। साहब जरूर इसने कुछ किया होगा। तू शांत बसा, और यहाँ पे मेरी बेटी मर गई है और तुझे बकवास कर रहा है। मैं काहे की बेटी, तेरी बेटी नहीं है वो, समझाना। एक मिनट, किसकी बेटी है ये? कलकर जी, ये गायत्री के पहले पति की, 7 साल पहले उसकी मौत हो गई थी, तो मेरे से इसकी ये दूसरी शादी है। गायत्री, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पति की सरला के सुसाइड केस में पूछताछ हो रही है? क्योंकि सर ये दोनों मियां बीवी एक नंबर के कमीने हैं। मैं लिख के देता हूँ साहब, इसने कुछ ना कुछ कांड किया होगा सरला के साथ। ए, तेरे को पुराना चुप कर। ए, 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 है। पुलिस के सामने नाटक क्या ना साहब, मारूंगा ना दोनों को। अरे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो बॉडी को, और आसपास पूछताछ करो आज यहाँ क्या हुआ। तीनों को लेके चलो। पुलिस को ये केस पहेली की तरह लग रहा था, लेकिन असल में ये केस उतना ही सरल था। एक अधेड़ उम्र की औरत, एक 15 साल की बच्ची और न जाने कितनी औरतों को पावर के नशे में चूर विनायक ने अपने जाल में फंसाया था। विनायक ने न जाने कितनी औरतों की मजबूरी का फायदा उठाया, उन्हें इंसाफ का लालच दिया, उनका शोषण किया। वो तो लाचार थी खैर, लेकिन गायत्री तो एक पुलिस कांस्टेबल थी, उसकी क्या मजबूरी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनायक के मानसिक विकार में वो भी साझेदार थी? विनायक और गायत्री दोनों ही बेहद विकृत प्रवृत्ति के थे, और अब उन दोनों की बेटी दिशा का भी किसी ने मर्डर कर दिया था। क्या ये विनायक और गायत्री के कुकर्मों का नतीजा था? क्या किसी ने विनायक का बदला दिशा से लिया था, या बात कुछ और थी? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये दिशा का मर्डर किसने किया है।
और इन दोनों का उसमें हाथ है या नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि दिशा अपने आई बाबा से नफरत करती थी, खासकर इस विनायक से। सर यही रीजन था कि दिशा अपने मायके नहीं जाती थी, नीच बोलती थी सर उसको। उसने मेरे को नीच बोला? नीच तो वो है साला, उसने जो किया है ना। क्या किया उसने? उसने ऐसा क्या किया कि तुम लोगों में इतनी कड़वाहट आ गई? उसको मेरे से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी वजह से वो गायत्री के पहले पति का घर हड़प नहीं सका। आई वो दुकान को सुपरमार्केट में कन्वर्ट करना था, तो दिशा के बाबा का जो घर है अगर वो दिशा के नाम पे कर दें तो बैंक से लोन मिल जाएगा। नहीं भाई ये नहीं होगा, अभी हमको साक्षी की पढ़ाई करनी है, फिर उसकी शादी करनी है, तो विनीत उस घर पर नजर मत डाल। नजर मत डाल का मतलब क्या होता है? दिशा का हक है उस पर। हाँ हाँ विनीत, दिशा का हक है, पर अभी नहीं, मेरे मरने के बाद। जब मैं मर जाऊंगी तो वो घर मेरी दोनों बेटियों का ही तो है। सर विनीत ने से प्रॉपर्टी मांगी थी और हमने दी नहीं, बस इसी बात का झगड़ा था। और तब से उसने दिशा के कान भरना शुरू किया था, उसने तो घर तक आना छोड़ दिया था। अब मैं तो सौतेला बाप हूँ, लेकिन दिशा तो अपने आई से भी बात नहीं करती थी। अच्छा विनायक, मर्डर के टाइम कहाँ थे आप? मैं तो अपने ऑफिस में था। सर आप उसके ऑफिस में पता कर लीजिए वो किस कैरेक्टर का आदमी, आप देख लीजिए। यही रीजन था कि दिशा उससे बात नहीं करती थी। नहीं नहीं, उसके कैरेक्टर के बारे में तो हम पता कर लेंगे, लेकिन तू बहुत घटिया किस्म के कैरेक्टर का आदमी है रे। हाँ, अपनी बीवी की माँ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहता था तू? सर मुझे कोई कब्जा नहीं करना था सर, ये एक नंबर का चालू आदमी है सर ये विनायक। इसकी नजर थी सर उस घर पे। मैं बस इतना चाहता था सर कि दिशा को उसका हिस्सा मिल जाए, वरना मेरे साथ तो सर फ्रॉड किया ही था, बेटी के साथ भी कर लेते। कैसा फ्रॉड? सर जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे ये बताया गया था कि दिशा 18 साल की, और बाद में मुझे दिशा ने बताया कि वो 18 की नहीं 16 साल की। मेरी बेटी दिशा 18 साल के होने में सिर्फ 2 महीने बाकी थे सर, मैं अपने बेटे की ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ आप बताइए। दिशा का कहीं अफेयर चल रहा था? सर दिशा का कोई अफेयर नहीं चल रहा था। लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों ने तो बताया उसका अफेयर चल रहा था। साहब मरने वाले के पीठ पीछे बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, मगर अब जो सच है वो है। पड़ोसियों ने बताया कि तुम जब दुकान पे जाते थे तो कोई आदमी तुम्हारे घर पे आता था। सर ये जो पड़ोसी होते ना सर, इनसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। सर मैं और दिशा कभी झगड़ते नहीं थे, और इन पड़ोसियों ने सर मुझसे भी आगे एक दो बार कहा, तो मैंने दिशा को पूछा तो दिशा ने मुझे बताया कि सर वो मेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती, और सर भरोसा था मुझे अपनी पत्नी पे। अच्छा अंडरस्टैंडिंग था मियां बीवी में, लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग वो ऐसा है कि तुम्हें ये पता था कि दिशा का कहीं अफेयर चल रहा है, तुम्हें पैसा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए तुमने गुस्से में आके दिशा को मार दिया। सर आप जाके पूछ लीजिए, मैं दुकान पे था सर। विनायक जरा बाहर बैठेंगे, गायत्री से बात करनी है। देखो गायत्री तुम एक माँ ही नहीं एक पुलिस वाली भी हो, तो जो कुछ भी सच पता है सच बता दो। सर जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया सर। देखो गायत्री ये केस अब पर्सनल मैटर है तुम्हारा, इसलिए तुम इस केस में इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकती। जी सर। हाँ विनायक सर कल पूरे दिन ऑफिस में ही थे। सरला के साथ कुछ हुआ था क्या? हाँ सर, बहुत से लोग आते हैं बड़े साहब को मिलने के लिए, हमसे जितनी हो सके हम मदद कर देते हैं सबकी। सर विनायक के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, दिशा के मर्डर के वक्त उसकी मोबाइल की लोकेशन उसकी ऑफिस की थी, बाकी प्यून से भी कंफर्म किया सर। लेकिन वो विनायक के इन्फ्लुएंस में बोल सकता है। उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी चेक किया, वो बहुत सारे औरतों के टच में था, उनसे पर्सनल लेवल पे भी बात करता था, सरला भी उनमें से एक थी। अच्छा डीएम का पीए होने का बहुत फायदा उठा रहा था, लेके आओ उसको। सर अच्छा बेटा तुम्हारी आई इस अंकल को सिर्फ ऑफिस में मिलने जाती थी या कहीं और मिलने जाती थी? हाँ एक घर में। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारी आई ने उस चाय वाले से एक कागज और पेन लिया था, तो क्या उन्होंने कोई चिट्ठी लिख के दी थी आपको? कुछ लिखना नहीं था तो फिर कागज और पेन क्यों लिया था? अनिता ये देखो, बड़े साहब ने साइन कर दिया, अब ये जॉब तुम्हारी हो गई। थैंक यू सर। सर अरे बाप रे,
घर में बहुत परेशान हूँ आजकल, मैं बहुत स्ट्रेस है मुझे। मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना? हाँ। तो तुम भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। बताइए सर, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दे। अच्छा क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए, नौकरी चाहिए कि नहीं तेरे को? बेटे को पालना है कि नहीं है? तो मेरी बात मान, नहीं तो ये नौकरी भूल जाती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैडम, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फोकट पे नहीं मिलती। अरे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके तेरा और तेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है? पति भी नहीं है तेरा ना? सर आप? विनायक का? सर वो बाहर गए हैं। भूल जाओ ना। नहीं, अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? अरे ऐसे बाहर सोफे पे नहीं, थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। ये कौन आ गया गलत टाइम पे? तुम लोग यहाँ का एड्रेस किसने दिया? चलो बाहर रुको। अरे विनायक जी, ना आप ऑफिस में मिलते हैं ना घर में मिलते हैं, आपका फोन भी ऑफ रहता है, तो हमने सोचा हम भी देखते हैं आप यहाँ करते क्या हैं। आप कौन? तुमसे मतलब? गेस्ट है मेरी, और इसे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। बड़े साहब को बोलूंगा मैं, चल बाहर निकलो। जा सांगा, हम भी उन्हें बताएंगे कैसे तुम अपने पैसे, पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करते हो औरतों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ए मोरे, अपने औकात में रहे। तुला औकात हमें पुलिस स्टेशन में दे दा, समझ लगा? इसने आपको एक्सप्लॉइट किया ना, आपके साथ जबरदस्ती की? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। बगतला, औरतों को बहुत पसंद होता है पैसा, पावर और पोजीशन। मुझे ना किसी भी औरत को एक्सप्लॉइट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद चली आती है मेरे पास ऐसे बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए। तो अभी निकलो। मोरे, वो जिन जिन औरतों के साथ टच में था उन सब से पर्सनली बात करो, जरूर कोई ना कोई सामने आएगी और सच बताएगी। साहब, विनायक साहब के वजह से मेरे बेटे को हॉस्पिटल में बेड मिला था। मुझे कुछ बात ही नहीं करनी उनके बारे में। सच बताया तो मुझे मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। गुनाह केला है, चौकशी होना, सिद्ध झाला शिक्षा होना, इसके बाद में ठीक से काम करना। ओके, सॉरी सर। ये सर, सर मोनिका के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मोनिका दिशा के मर्डर के वक्त उसी के घर पे, और जब दिशा के कॉल रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक किया तो पता चला दिशा ने उसी वक्त विनायक को कॉल किया था, और उसके बाद मोनिका की माँ को जेल से रिहा कर दिया गया था। क्या ऐसा तो नहीं मोरे कि मोनिका ने विनायक का बदला लेने के लिए दिशा का मर्डर कर दिया? तो मोनिका को ट्रैक करो सर। देख, तेरे को बहुत मजा आएगा क्योंकि मैं खुद तेरे साथ। सर, जब विनायक और पुलिस ने मेरी माँ को जेल में डाल दिया तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। तभी मैं दिशा से मिली। दिशा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी माँ जेल में है तुम्हारे पापा की वजह से। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ मोनिका, मैं तो खुद उसकी कैद में हूँ। बस बस, अब बहुत हो गया, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। रुको, तुम बाबा, एक मुर्गी आ लिया है मोनिका। क्या? अब वो क्या कर रही है तेरे वहां? तुम्हारा सच बता रही थी, अब तुम्हारा गेम ओवर। ये सब दिशा की माँ को पता था? पता नहीं सर, पर दिशा की बात सुन के मुझे नहीं लगा था कि कुछ भी सही होगा, पर उसने मेरी माँ को रिहा करवा दिया। तुमने रेप केस परस्यू क्यों नहीं किया? सर, जो आदमी अपनी बेटी के साथ इतना सब कुछ कर सकता है, वो मेरे साथ क्या क्या कर सकता था?
आई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरी जान खा के पेट नहीं भरता तेरा? हाँ जा, नहीं ये खाना। ठीक है, करड़े हथौड़ा लेके। सर उसे हमारे आने की भनक लग गई। गायत्री को मारा क्यों? सर घर में तो कोई नहीं है, पर ये मिला है। ये तो सरला का सुसाइड नोट है, मतलब ये गायत्री ने गायब किया था। कुछ मिला? नहीं सर। गायत्री की छोटी बेटी साक्षी कहाँ है? सर वो घर पे तो नहीं मिली। हो सकता है विनायक उसको साथ ले गया हो। सर सर मैंने विनीत से बात की, विनायक का कोई दोस्त वोस्त नहीं, लेकिन ये पता चला है कि परली गांव में उसकी माँ का घर है, और जब मैंने विनायक के लोकेशन को ट्रेस किया उसी तरफ ट्रैवल कर रहा था। फिर उधर ही गया होगा वो। एड्रेस? सर विनीत को सिर्फ गाँव का नाम पता है, परली गाँव। आई अभी मिस्टेक हो गई ना, अब तू ऐसे मुंह फुला के बैठेगी क्या? तोड़ो। वो दिशा मेरे को धमकी दे रही थी, ये विनायक साठे को। ये पुलिस के पास जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। मेरे सीधा उसे भगवान के पास भेज दिया। कहाँ जा रही है तू? पुलिस स्टेशन। बहुत हो गया तुम्हारा, अपने खुद की बेटियों के साथ करते हो, तेरे को शर्म नहीं आई? ओ केलकर, वो मेरी बेटियां नहीं थी वो, और अगर होती भी तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी सगी माँ उसे मेरे मरने की बद्दुआ दे सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब? तो वो जो कंकाल मिला वो तेरे माँ का था? कैसे मरी हो? मरी नहीं, वो मैंने मारा है उसे। जो जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा ना, मैं उन सबको मार दूंगा। पहले आई, उसके बाद वो दिशा, और फिर वो मेरी पत्नी गायत्री। अरे इंसान ने हैवान है तू, हाँ? रेप करता था उसका क्या? साक्षी तो छोटी बच्ची थी, उसको भी उसके लिए ले गया था ना? इस पे ये मन आ जाता है ना, उसके साथ करता हूं। ऐसा? तो जेल में जिसके मन में जो आएगा वो तेरे साथ करेगा। All the best. विनायक एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे था, वो सिस्टम को अच्छी तरह से जानता था और सिस्टम की खामियों को भी, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। उसने उस हर लड़की का शोषण किया जो उसके पास मदद मांगने के लिए आई। जो विनायक ने किया वो तो उसकी फितरत थी, लेकिन जो गायत्री ने किया वो उससे भी बड़ा क्राइम था। सिर्फ अपनी शादी के रिश्ते और बदनामी के डर से गायत्री ने न सिर्फ उन 150 औरतों बल्कि अपनी दोनों बेटियों को भी दांव पे लगा दिया, और अपनी जान गवाई सो अलग। कहीं विनायक की इस मानसिकता के पीछे उसकी परवरिश जिम्मेदार है। माता पिता बच्चों को इस दुनिया में अपनी मर्जी से लाते हैं, उनकी पैदाइश के लिए उन्हें कोसना, उन्हें ताने देना या एहसान जताना बहुत ही गलत बात है। विनायक की माँ ने उसे जिंदगी भर कोसा, उसे मारा पीटा, उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। जाने अनजाने में एक माँ ने एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को जन्म दे दिया। बच्चों का दिमाग बहुत नाजुक होता है, कौन सी बात कब घर कर ले उनके दिमाग पे कोई नहीं कह सकता। इसलिए बच्चों की मानसिक सेहत का आप ख्याल रखिए, अगर जरूरत हो तो प्लीज मदद मांगिए। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।